अच्छा ओए इसमें क्या कर रही है जी? चटती है ही तो कुछ हो मुझे चट ही लगा ले तो पोछा लगाओ मुझे चट चट के। ओ भैया हम लोग चल रहे हैं सब्जी लाने, दूध लाने, कुछ भी लेने जाओ कहीं भी जाओ फोर व्हीलर से ही जाओ। यहाँ पे देखो सब्जी वब्जी लेने के लिए यहाँ पे इतनी महंगी मिली तो हमारे परवल 20-25 का यहाँ पर 60 रुपये बहुत महंगा महंगा सब्जी मिल रहा है यहाँ पे। जैसे जो मेन शहर के जो है मतलब के आसपास में जो सब्जी वाले होते हैं ये सबको तो महंगा होगा ही, जैसे मंडी उंडी में जैसे मैं जहाँ बाजार लगता है वहाँ पे सस्ता रहते हैं, और हम लोग बलिया में सीधे बाजार वाले जगह पे रहते हैं। चलो 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 निकलो 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 चलो तो हम लोग अभी निकल रहे हैं दिखाने डॉक्टर को, बहुत लेट हो गया, 1 बजे का टाइम था अब 1:45 यहीं तो हो रहा है और यहाँ से कम 20-25 मिनट लगेगा जाने में। देखो डॉक्टर के पास जा रहे हो सुई लगेगी ना। यहाँ पे बाबू को दिखाना है, पहुंच गए यहाँ पे भैया देखो लिफ्ट आ जाए बस और क्या। पहुंच गए बाबू हम लोग। ए हाँ आराम से बैठो आराम से आराम से। अभी भैया हम लोग यहाँ बैठे हैं पूरा 1.5 घंटा से, अभी नंबर आया नहीं है। चलो यहाँ पर तो डॉक्टर मैम को दिखा लिए हैं, अब कुछ जैसे कुछ दवाइयाँ वगैरह लिखी हैं और पहले से कुछ दवाइयाँ चलती थी तो सब दवाइयों को स्टॉप कराना था, इसी के बारे में ज़्यादा मिलना था हमें, और 3 महीने बाद फिर ऑनलाइन बोली हैं कि चेक कराइएगा, बाकी वही सब थेरेपी चलाते रहिए। चलो भाई गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, चलो बैठो चलांस। मजा आया हाँ सरांस ने फोटो मजा आया के साथ और सरांस ने फोटो में देखा ही। पहुंचने वाले हैं हम लोग अपने मोहल्ले में भैया, अभी मोहल्ले नहीं पहुंच रहे हैं, अभी आइसक्रीम खाने हैं। हमें लगा कि मोहल्ले में पहुंच गए हैं लेकिन ये लोग आइसक्रीम, बाबू आइसक्रीम खाओगे हैं? हाँ कौन सा 1956 से बेच रहा है जियानी। अरे जियानी का तो बहुत महंगा था, हमारे यहाँ खुला है जियानी का, खुला है ना, हम जाके भी नहीं खाए वहाँ पर, नहीं 50-60 रुपए 70 रुपए यही आता है, बहुत महंगा महंगा कॉटन कैंडी। चलो भैया हम तो पाइनएप्पल जो है आइसक्रीम मंगाए हैं और ये लोग पता नहीं कौन कौन सा आइसक्रीम मंगाए हैं। सांस ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा आइसक्रीम, ठंडा ठंडा आइसक्रीम। सभी लोगों से बढ़िया मेरा आइसक्रीम है देखो कितना मस्त। चलो भाई बढ़िया था आइसक्रीम, अच्छा था, अब हम लोग चलते हैं घर पे, सुबह रो रही है। आइसक्रीम खा के मजा आया, रोज एक खाओगे आइसक्रीम? ठंडा बाबू बंद कर दो, 19 बंद कर दो, 19 बंद कर दो बाबू को छोड़ दो इसी में ठीक है। अरे नहीं भाई ए चुबे देखिया देखिया। चलो बाय सुबह, बाय बाय बाय। चलो भाई निकल गए हैं घर से और चल रहे हैं निर्भय के, हाँ मुझे जाना है मेट्रो से। रोड पर की भीड़ तो देख के लग रहा है कि भैया मेट्रो में भी भीड़ होगा। सेक्टर 34 नोएडा, यहीं से पकड़ेंगे मेट्रो और मैं जाऊंगा मैं सादीपुर, वहाँ है निर्भय का घर, वहीं पे है, तो चलो आधा घंटा लग ही जाएगा जाने में। दूसरी बात मेट्रो सफर दिल्ली, सब कुछ सही से हो जाए, रिचार्ज भी कर लिए और चलते हैं ऊपर। खुल गया कोई दिक्कत नहीं, सीढ़ी से जा रहा है, उधर चलने वाली सीढ़ी है। हम भी थोड़ा हेडफोन लगा हुआ कि दिल्ली स्टाइल में थोड़ा सा घूमते हैं। मेट्रो अभी इधर से आ गई है, इधर से आ गई, इधर से अभी नहीं आई, कितनी बॉप घड़ी के टाइम से 40 सेकंड रुकी है और उसके बाद से खुल गई है, कई कई सेकंड रुकने सारे लोग उतर भी जाते हैं, सब लोग उतर उतर सीट हो नीचे के। इधर से भी आया नहीं एक तो इधर से एक और आ गया है, शाम का टाइम है ना सब लोग रिटर्न हो रहे हैं, इस वजह से जो इधर से जा रहा है बार बार, इधर से भी आया भी एक। चलो इधर से भी आ गया, अब इधर मतलब खाली होना चाहिए।
फट गई सर भी, बहुत भीड़ है भैया, बहुत भीड़। हमारा स्टेशन भी आ गया, तो भाई पहुंच गए शादीपुर स्टेशन पर, मेट्रो बाय 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 बाय। और नीचे देखो जाम, देखो कितना लंबा लगा हुआ है, बाप रे कहां तक है भाई, शायद इस बार मैं सही उतरा हूं। इतना ट्रैफिक है, इतना भीड़ है, क्या बताया, बहुत ज़्यादा, मतलब बाप रे दिल्ली है भैया। चलो सही है, मंदिर पर आ गए हनुमान जी के, निर्भय तो मिल गए हैं, और अब निर्भय के साथ निर्भय के रूम पर मैं आता हूँ, अकेले में आऊँ तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा इनके रूम पर, ऐसा ऐसा रास्ता है। अभी मैं तू आसान रास्ता से लेके आओ तेरा अपना सुविधा के अनुसार, हमारा तो मेरी लॉन्ग रूट मारे के पड़ी। तो भैया पहुँच गए हैं निर्भय के रूम पर, और इधर देखो, और यहाँ पे संदीप भाई लेटे हैं, और इधर जो है मुकेश जो है अपने कार्यक्रम में लगे हैं, प्याज काट रहे हैं। हम लोग बनाएंगे यहीं पे मटन, और आज भैया मटन की पार्टी, पिछली बार आए थे तो निर्भय से घर पे रुके नहीं थे, इस बार एकदम प्लानिंग के साथ रुकना है। आज के बाबा चीज जो है निर्भय सिंह है, क्या स्थिति है मटन का? निर्भय भी इतनी बड़ी टीवी लिया है, वन प्लस का, कौन इंच का हो? इंच कोई 50 इंच ना, हमारे वाले से नहीं, हमारे से बड़ा है इसका स्क्रीन, हमारा 43 है, उससे बड़ा है, बढ़िया है। चलो भाई यहाँ पे सब खाना पीना हो गया, मटन और चावल मुकेश तो खा लिया, कैसा था जी? अच्छा था, लाजवाब। चलो भाई तो हम लोग भी खाना खा लिए हैं यहाँ पे, अरे कैसा बना है बताओ? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गर्मी बहुत लग रही है आपको है? गर्मी बहुत लग रही है, आदत हो गई रहने का, ड्यूटी जाना। इसका अगला वीडियो देखिएगा, हम आज दिखाने वाले हैं कि निर्भय कैसे रेलवे के ड्यूटी करते हैं और कैसे हम लोग वहाँ पर रहेंगे आज। चलो भाई खाना पीना हो गया, रात के बज रहा है 12, फिलहाल ब्लॉग एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं जल्दी कल ब्लॉग।